मैंने सुना एक छोटा सा बालक है और सबको पछाड़ रहे, अभी मैं स्वयं जाता हूँ देखता हूँ। इतने में कंस जब यहीं पर जब उन्होंने मथुरा को छोड़ करके वृंदावन में प्रवेश करने के लिए कोशिश की, लेकिन ये जो वृंदावन धाम है ये योग माया के द्वारा रखी थे। जब तक योग माया की कृपा नहीं हो ना, ये ब्रज में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इतने में योग माया बोले कहाँ जा रहे हो, योग माया ने कंस को पकड़ा और कुएं में उसने डुबा दिया तो उसने 100 साल की एकदम टोकरी बन गई। बोली यार कंडा बिनो, यहाँ पर उनको कंडा बिनाने में लगा दी और उनको हाँ, अभी तो कंस तो बड़ा विपत्ति में पड़ गया क्योंकि अभी तो टोकरी बन गया ना, अभी तो यहाँ जाएगा तो उसको कोई पहचान नहीं सकते है। जब कुछ दिन ऐसे किया, इतने में योग माया ने देखा, जत देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य रे लीला पुष्टिकारी। इसका मतलब है जिन जिन को हम देख रहे हैं ये सबके सब भगवान की विरोध है, लेकिन एक तरह से भगवान का लीला को मदद करते हैं। कंस नहीं होता तो कृष्ण लीला होता? हम तो इतना जो कथा सुन रहे हैं अगासुर बकासुर शकटासुर होता वो होता ही नहीं, इसलिए उन्होंने देखा तो गड़बड़ी हो जाएगा, लीला ही नहीं होगी। बोले और तो आओगे इधर? बोले नहीं। बोले कान पकड़ा और उसको 101 बार ऊंट बस करवाया। बोले खबरदार इधर और आना नहीं। इसलिए प्रश्न होता है, इतने पास में रहते हुए वो अलग अलग राज्यों से क्यों भेजा, वो स्वयं क्यों नहीं आई? कारण यही था, जानता है अगर मैं जाऊंगा तो फिर मेरे को टोकरी बना देगी, फिर तो मैं वापस नहीं आ सकता, इसलिए इधर मोड़ कर देखा नहीं। यही पर है यमुना नदी है, ये जो स्थान है इसका नाम पारण घाट भी यही स्थान है। यहीं पर ही ब्रज गोपियां दूध दही मक्खन लेकर के यहीं पर आते थे और बनमारज बढ़िया से सुना देना, ओ नाव 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 वाले कोई हो हमें पार कराने वाले, कृष्ण इतने में टूटे फूटे नाव लेकर आ जाते। बोले मैं ही पार करा दूंगा। बोले बैठो। सब बैठा करके यमुना को बीच में ले जाते हैं। बोले भैया मेरे नाव को एक मणि ढो सकता है, ज्यादा नहीं ढो सकता है। गोपियां बोली तू पहले क्यों बोल नहीं दिया, बीच में आकर बोले एक मण, मैं तो स्वयं 3 मण की हूँ। और ये गोपी तो 3.5 मण की, ये तो 2 मण की है, तो बताया नहीं क्यों? कृष्ण ये बता रहे थे देखो जब तक एक मन से हम भगवान को भजन नहीं करते हैं तब तक भगवान ये संसार से पार नहीं कराएंगे। गोपियों ने कहा देखो हम देखने पर यद्यपि अलग अलग है लेकिन हम कोई अलग नहीं, हमारा जो मन है इसलिए ता मन मनस्का, हमारा जो मन है और किसी को चरण में नहीं, ये मन केवल तुम्हारी चरण में हमने दे रखा, इसलिए ये नाव यही पारण घाट है और उसको पास में यही पर ही श्री पराशर ऋषि जब यमुना पार कर रहे थे और सत्यवती जब उनको यमुना नदी पार करा रही थी, जब बीच में आए एक टापू में नाव लग गया, इतने में कोहरा कोहरा हो गया, इतने में श्री पराशर ऋषि सत्यवती को अपना दिव्य दृष्टि से दर्शन किया। दर्शन करते ही वहीं पर उन्होंने श्री व्यास देव जी को उन्होंने यहीं पर प्रकट किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण मतलब देखने में काले थे, वेद व्यास मतलब वेद को जो विभाजन किया, और द्वैपायन मतलब वो दीप से प्रकट हुए। इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत सारे लीला है। यहीं पर ही ब्रज गोपियां हमारे उस पार में दुर्वासा है और बन महाराज कथा सुना रहे थे ना, इसलिए कृष्ण को पूछा हम कैसे यमुना पार करेंगे। बोले बोल देना कृष्ण ब्रह्मचारी बाहर यमुना दोनों तरफ अलग हो गई, वहां पर जब खिला है बोले कैसे यमुना पार करेंगे। बोले बोल देना दुर्वासा अगर मुझे खाए नहीं तो पार करा देना। बोले भैया गुरु जैसे चला भी वैसे हैं, कृष्ण हमारे बगैर रह ही नहीं सकते। देखते देखते लड्डू कचौड़ी मालपुआ सबके सब खा गए, अब कहते हमने खाया नहीं। ये तो बोले भैया इसका मतलब क्या है? बोले जो दुर्वासा है कहते भक्त लोग कोई चीज खाते नहीं, हम क्या कहते हैं प्रसाद सेवा करते हैं, हम भोग बुद्धि से नहीं भगवान की सेवा बुद्धि से करते, भोग बुद्धि में नहीं। और जो भगवान ये आत्मा राम और आपका काम है सब कुछ में रहते हुए भी वो अलग है, इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत सारे लीला ही आसपास में यहाँ पर ठाकुर जी ने किया। बोलो और यहीं पर श्री पुरानी गुप्त का जगन्नाथ जी का सभी ग्रह यहीं पर महाप्रभु आकर के यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की।